नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना सीक्रेट अपने घर का, क्योंकि आप सब लोगों को मेरा जो गार्डन है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वो शेयर किया जाए जो मैं बहुत दिन से आपको बताना चाहती थी। तो कुछ ऐसे प्लांट्स बताने वाली हूँ मैं जो आपके गार्डन डेकोर को और घर की खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। तो जो मेरे पास प्लांट है ना, इन्होंने मेरे घर में चार चांद लगा दिए हैं। तो जो भी आता है वो देखता है, बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इनका सारा क्रेडिट आता है इन प्लांट्स को। अगर आपने भी ये प्लांट्स नहीं लगाए हैं, ये बड़े बड़े पत्तू वाले प्लांट, तो आप जरूर से जरूर लगा लें, ये आपके घर की खूबसूरती को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, मैंने अपनी जगह के अकॉर्डिंग प्लांट लगाए हुए हैं। जैसा मेरे यहाँ नीचे का क्लाइमेट है उस हिसाब के प्लांट लगाए। नीचे धूप नहीं आती है तो मैंने उस तरीके के प्लांट लगाए हैं। तो जो मैं प्लांट आपको बता रही हूँ ये इंडोर प्लांट है। वैसे तो बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं जिनसे हमारा गार्डन खूबसूरत लगता है, लेकिन जब हम बड़े पत्ते वाले प्लांट लगाते हैं तो एक जंगल जैसा लुक क्रिएट हो जाता है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे जो फेवरेट मेरी पसंद है, देखिए, रबर प्लांट। ये बहुत छोटा सा प्लांट लेके आई थी, काफ़ी तेज़ी से ये ग्रोथ करता है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी चमकदार होती है, आप देखिए, और मोटी मोटी होती है। तो बहुत ही टिकाऊ प्लांट है और लो मेंटेनेंस भी है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो इस प्लांट को लगा सकते हैं। और इस प्लांट की अगर आपको अच्छी देखरेख करनी है, बहुत ज़्यादा आपको बड़ा करना है, पत्तियाँ बहुत शाइनी रखनी है, तो आपको एक काम करना होगा, इसकी जो लीव्स है ना ये क्लीन रहनी चाहिए, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। तो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि कैसे आपको क्लीन करना है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही आसानी से जो स्टेन होते हैं, बारिश के स्टेन होते हैं, वो चले जाते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और अभी के टाइम पर सबसे खूबसूरत प्लांट मेरे गार्डन का ये है, रबर प्लांट। और रबर प्लांट की ना बहुत सारी वैरायटी आती है, वेरीगेटेड भी आती है, लेकिन ये जो वैरायटी है ना ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। और इसके अलावा मेरे पास इसका दूसरा प्लांट है, ये वेरीगेटेड वाला है, ये देखिए, ये वाला। और इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं हो रही है जितनी उसकी हो रही है, तो वो प्लांट आप ज़रूर लगाएं। और बहुत ही आसानी से प्रोपगेट हो जाता है, कटिंग से आसानी से लग जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट काफ़ी बड़ा हो, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जब भी आप पॉट सेलेक्ट करें तो इसके लिए देखिए काफ़ी बड़ा पॉट लिया है तभी ये इतने अच्छे से कम ये 14 इंच से छोटा तो लेना ही नहीं है, 16 इंच का पॉट है तभी इस प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है और पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। और ये जो प्लांट है ना, इनको मॉइस्चर चाहिए, तभी मैंने कहा ये सेमी शेड में काफ़ी अच्छे से चलते हैं, धूप वगैरह में रख देंगे तो नहीं चलेंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो प्लांट है जो मेरे गार्डन में अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देखिए इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी बड़ी होती हैं, ये देखिए बहुत ही बिग लीफ होती है जो काफ़ी अच्छी लगती है। इसका नाम है फिडल लीफ फिग प्लांट और ये मैंने छोटे से गमले में लगाया है। बस इस प्लांट का आपको एक खास बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए, जो मैंने कर दी है अभी, ये देखिए। और अगर मैंने अभी इसमें पानी नहीं डाला ना तो थोड़ी देर में ये मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। और इस प्लांट को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये ना ऐसे लंबाई में बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो दूसरे नंबर पर ये प्लांट है जिसको आप लगा सकते हैं। आप सब लोग पूछते हैं ना कि आपके प्लांट इतने अच्छे से कैसे ग्रो करते हैं, तो उसका एक सीक्रेट बताती हूँ मैं आपको। जब भी मैं इनमें पानी देती हूँ तब सावरिंग जरूर करती हूँ, सावरिंग के बाद इसमें पड़ जाते हैं स्टेन, फिर इसको मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। आप पानी से भी कर सकते हैं और स्टेन कई बार छूटते नहीं हैं, तो आपको इन प्लांट को ना साफ रखना है, तभी ये बिल्कुल चिकने चिकने दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल शाइनी, और तभी ये प्लांट अच्छे लगते हैं। साथ कई बार हम प्लांट लेके आते हैं तो सोचते हैं कि बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये जो प्लांट है बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, टाइम लेता है। और तीसरा जो मेरा फेवरेट प्लांट है बड़ी पत्ती वाला, ये है मॉन्स्टेरा। और ये देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत लगती हैं, ये भी हमारे गार्डन में चार चांद लगा देता है। तो ये कुछ प्लांट्स मैं आपको बता रही हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं और इस प्लांट की भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है, और इसको लाए हुए कम से कम 6 से 7 महीने हो चुके हैं और इस प्लांट पे केवल एक पत्ती आई है अभी तक। तो ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो मुझे काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये प्लांट काफ़ी जल्दी जल्दी बड़े हों। तो ये बहुत ही यूनिक प्लांट है,
और इस प्लांट को भी काफ़ी बड़ा पॉट चाहिए। जब भी आप लगाएं थोड़े बड़े पॉट में लगाएं, मॉइस्चर इनमें बना रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉगी मिट्टी नहीं रखनी है, नहीं तो ये प्लांट जितने अच्छे लगते हैं ना उतनी तेज़ी से ख़राब भी हो जाते हैं। रबर प्लांट तो एक ऐसा प्लांट है जो मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होता है, लेकिन ये दो प्लांट का आपको फिटल लीफ का और इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए ये जो स्नेक प्लांट है ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और ये जो वैरायटी ली है मैंने ड्वार्फ वैरायटी ली है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और इसका दूसरा वाला आता है वो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल सीधी सीधी, इसमें ये वेरिएशन नहीं होता है, पीला पीला ये देखिए किनारे किनारे है, ये वो नहीं होता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, उस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो मेरा फेवरेट प्लांट है ये देखिए, ये है ऑर्केरिया, जिसे क्रिसमस ट्री भी बोल देते हैं, लेकिन असली नाम इसका ऑर्केरिया ही है, और इसकी भी पत्तियाँ देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी, वैसे तो अलग अलग होती है लेकिन साइज काफ़ी बड़ा होता है। और ये प्लांट लगाए हुए मुझे कम से कम, जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे उसके 6 महीने बाद मैंने ये प्लांट लगाया था, इसकी भी काफ़ी स्लो ग्रोथ है लेकिन चलता रहता है, धीरे 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 बढ़ता रहता है, तो काफ़ी अच्छा लुक देता है ये प्लांट भी, तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्लांट को मैंने आपको रिपॉट करके भी दिखाया था, और उस दिन लगाया था देखिए व्हाइट पॉट में लगाया था, और कितने अच्छे से चल रहा है, तो अच्छे से चल रहा है कैसे पता चलेगा, ये जो टिप है ना ये देखिए ग्रीन ग्रीन यहाँ से ये बढ़ रहा है, ये देखिए, तो ऐसे पता चलता है कि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि जो मैं आपको बताती हूँ उन टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो प्लांट है वो है डेफनवेकिया। डेफनवेकिया के भी काफ़ी बड़े पत्ते होते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में, काफ़ी बड़ा हो जाता है वो प्लांट, तो उस प्लांट को भी लगा सकते हैं। तो मेरे यहाँ जो वो प्लांट है ना काफ़ी अच्छे से नहीं चल पाता है, क्योंकि जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पे ठंड बहुत, जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ठंड में वो हमारे यहाँ पाले में ख़राब हो ही जाता है, तो कई साल से मैं उसको लगाती आ रही थी, तो हर साल लगा लेती थी, जैसे ही सेप्टेम्बर गया अक्टूबर 15 से वो प्लांट मेरा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता था, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं लगाया है। लेकिन अगर आपके यहाँ का मौसम उसके अनुकूल है तो वो प्लांट आप ज़रूर लगाएं, वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और मेरे यहाँ ना पेट भी हैं, आपने देखा होगा फेरिया और राजा दो पेट हैं मेरे, तो उनके लिए भी वो नुकसानदायक है और उनको चबा देते हैं, तो इस वजह से भी वो प्लांट मैंने नहीं लगाए हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ आपके साथ, देखिए मैंने मॉर्निंग ग्लोरी की ये लगाई थी बेल, तो एक हमारे राजा ने ये क्या किया है देखिए, इसके पत्ते चबा दिए हैं, तो कई बार अच्छा अच्छा भी नहीं होता, कई बार कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं, फिर से नया लगा लेंगे, और उनको भी बांध के नहीं रख सकते हैं हमेशा। और इसके साथ साथ आप ड्रेसिना को भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये प्लांट तो मेरा छोटा है, उसका कारण ये है, ये मेरी ही गलती से है, इस प्लांट को जब से लाई हूँ तब से इसी पॉट में लगा है, इसको मैंने रिपॉट भी नहीं करा है, बल्कि नीचे से बेबी प्लांट भी निकलने लग गई, ये अपने आप तैयार हो रहा है, तो ये प्लांट डिवाइड भी हो जाएगा अगर मैं इसको करना चाहूँ, और बड़े पॉट में लगा होता तो काफ़ी बड़ा हो जाता और इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, कलरफुल प्लांट है, काफ़ी अच्छा लगता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और ड्रेसिना की एक और वेराइटी है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ये देखिए ये भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, अभी छोटा सा मैंने लगाया था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट। अम्ब्रेला ट्री भी कहते हैं, अब मेरे पास कम से कम इसके 3 से 4 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ये प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये काफ़ी फैलता है, इस वजह से ये प्लांट काफ़ी अच्छा लगता है, तो एक मतलब बड़े से ट्री का लुक देता है, तो इस प्लांट को भी मैं बड़े पत्तियों वाले में ही गिनूंगी, क्योंकि ये देखिए बंच में निकलते हैं इसकी पत्तियाँ, काफ़ी एक ट्री जैसा लुक देता है और काफ़ी अच्छे से चलता है, तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। और इसकी मैं, मेरे से केयर पूछ रहे थे वो, तो इसकी कोई खास केयर नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसको मैंने शेमी शेड में रखा हुआ है, ब्राइट लाइट पड़ती है, बिल्कुल छाया में नहीं है, और इसको पानी देखिए वेल ड्रेन मिट्टी में लगा हुआ है, पानी इसको चाहिए ही, मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ये ख़राब कब होता है, एक तो इसकी मिट्टी सौगी हो जाए तब ये ख़राब हो जाता है, और जो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है वो पड़ती है धूप के कारण, धूप इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जब मैं नर्सरी से लेके आई थी तो उन्होंने बोला मुझे कि ये प्लांट आपका धूप और छाया दोनों में चलेगा, लेकिन ये धूप में नहीं चलता है, मैंने इसको रख के भी देखा है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा छत में रख देती हूँ, छत का लुक भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये चला नहीं, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ रखा है, और ये यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है। और इसी की कटिंग मैंने दूसरी वो देखिए ये लगी हुई है, और ये भी छाया में है, तो ये देखिए छोटे से पॉट में लगा हुआ है, ये देखिए तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है ये, तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे कुछ प्लांट, वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, नाम गिनने लगूँ तो वो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन जो मेरे गार्डन को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आप सबको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।